शिनचैन को आने में फिर से देर हो गई आज। प्रिंसिपल सर, लगता है आप भूल गए हैं, शिनचैन बड़ी क्लास में चला गया है। लगता तो है, शांति मिलती है थोड़ी सी, लेकिन साथ में बुरा भी लगता है। आप सही कह रहे हैं। एक और बच्चा है, ये शिनचैन लोहारा का घर कहाँ है? शिनचैन, शिनचैन, चलो अब उठ भी जाओ। ओ नहीं, वो हमेशा देर से ही उठता है। प्ले स्कूल से अभी है, जूनियर स्कूल में आ गया है, फिर भी बदला नहीं शिनचैन बिल्कुल। जल्दी करो और तुम भी जल्दी करो। हाँ हाँ कर रहा हूँ। ओ नहीं, हैरी इतना बड़ा हो गया है फिर भी हमेशा काम के लिए लेट हो जाता है। हिमावरी, क्या तुम शिनचैन को जल्दी से उठा दोगी? मॉम, तुम्हें कहना चाहिए हाँ, तुम अपने भाई की नकल मत किया करो। नहीं उठा सकती। अच्छा ठीक है, अब ये तुम्हारा काम है, मैं बाहर जाकर कचरा फेंक कर आती हूँ। ओ नहीं, बाहर जाके वक्त पर बात मत कीजिए। आखिर वो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है? ये शिनचैन ने सिखाया होगा। नो नो, हिमावरी तुम ज्यादा बातें मत करो, जाओ और जल्दी से शिनचैन को उठाओ। तुम्हें कहना है हाँ। रुको रुको, अरे रुको रुको। भैया भैया उठो जल्दी। भैया चलो उठ जाओ, जल्दी करो। क्या कर रही हो? मैं भी बुक पढ़ रही हूँ। मुझे परेशानी हो रही है। तो फिर मैं क्या करूँ? तुम मेरे सर के बजाय कहीं और बैठकर बुक पढ़ो। ओ अच्छा, गाल पर मत बैठो। अच्छा तो क्या मैं आपके पीछे बैठ जाऊं? अच्छा ठीक है। अरे नहीं, तुम ऐसे भी बुक नहीं पढ़ सकती हो। तो फिर मैं बुक कैसे पढ़ूंगी भैया? चलो सोती सोती सोचते हैं। सोते हैं। नहीं अब सोना। हिमावरी, मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी से शिनचैन को उठा दो, तुम भी उसके साथ जाकर सो गई। अब ऐसे बच्ची बनकर मत दिखाओ, तुम अब कोई बच्ची नहीं हो, समझी? अरे नहीं, मैं तो ढंग से सो भी नहीं पा रहा। माफ करना, मैंने तुम्हें जगा दिया। अब तुम्हें उठ जाना चाहिए, तुम्हें पता है कि क्या वक्त हो रहा है। आज से तुम्हें जूनियर स्कूल स्टूडेंट हो, समझे? अब तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नर्सरी स्कूल में लेट जाना ठीक था मैम? हाँ, वहाँ कोई रिजल्ट शीट तो मिलती नहीं थी। हे, अब चलो जल्दी से उठ जाओ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं बदल गया। वो तो सब कहना जब कभी वक्त पर कोई काम किया हो। अब चलो अपने कपड़े बदल लो। चलो अब कपड़े बदलते हैं। हिमावरी देखो मैं कितना तंदुरुस्त हूँ। ठीक है, मैं सीमा ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, संभल कर जाना। कौन है? मैंने पहचाना नहीं आपको। गुड मॉर्निंग, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम मोचिदा है, मैं हूँ एक्शन जूनियर स्कूल सिक्स क्लास और फर्स्ट सेक्शन से, और मैं गोइंग टू स्कूल ग्रुप की लीडर भी हूँ। मैं यहाँ शिनचैन को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ, तो क्या आप शिनचैन को जल्दी से बुला देंगे प्लीज? हाँ, मैं समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये शिनचैन को कोई लेने आया है। ठीक है, बाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, तो आप उसकी मॉम हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ एक्शन जूनियर स्कूल सिक्स क्लास फर्स्ट सेक्शन से, और इसके साथ साथ मैं गोइंग टू स्कूल ग्रुप की लीडर भी हूँ, और मेरा नाम है मोचिदा। मैं यहाँ शिनचैन को अपने साथ ले जाने आई हूँ। ओ बहुत बहुत शुक्रिया, पर तुम तो बहुत जल्दी आ गई हो। जी, ये हमारे स्कूल की परंपरा रही है कि पिछले 10 सालों में कोई भी बच्चा स्कूल जाने में लेट नहीं हुआ है। अब जबकि मैं ग्रुप की लीडर बन गई हूँ, तो इसलिए अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस परंपरा को आगे बढ़ाऊँ। अच्छा, मैं अभी अपने बेटे को लेकर आती हूँ। शिनचैन, शिनचैन, तुमने अपने कपड़े बदल लिए? देखिए, ये वही पजामा है जो आप सेल से खरीद कर लाई थी। ओह, तुम पर फिट हो रहा है, अच्छी बात है, पर इसकी सिलाई इतनी भी अच्छी नहीं है। वैसे ये काफी सस्ता है तो कोई परेशानी नहीं है। मम, वैसे हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं, मेरे जाने का वक्त हो गया है। अगर तुम्हें पता है तो तुम जल्दी से कपड़े क्यों नहीं बदल लेते? जल्दी से ये पहन लो, और जब हो जाए तो अपना सामान भी लगा लो। इन्हें ये काम तो रात ही कर लेना चाहिए था। मेरा स्कूल बैग। शिनचैन, ये सब मत ले जाओ। पर क्यों? क्योंकि अब तुम एक जूनियर स्कूल स्टूडेंट बन गए हो, इसलिए अपना नर्सरी स्कूल बैग ले जाना अजीब होगा। मैं जूनियर स्टूडेंट हूँ। आज हम जानेंगे बूचैन का सीक्रेट। हाँ, बच्चे बहुत मजा आ रहा है। मुझे
इंतजामा, क्या हम बाद में खेलेंगे? हाँ नैनी, क्योंकि उससे पहले मुझे इंग्लिश ट्यूशन के लिए जाना होगा। मैं भी खेलूंगा नैनी। मैं जानता हूँ इंतजामा, तुम मेरे बिना खेल नहीं पाओगी, तो मैं भी खेलने आ जाऊंगा। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और तुम बोचे? मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, बाय। गुड बाय। बाय बाय, बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं, चलो खेले। लगता है बोचन बहुत जल्दी में है। कल भी उसे कोई काम था और वो चला गया था। कोई ना कोई बात तो जरूर है। हाँ, बात तो अजीब लग रही है। हाँ, अजीब तो लगता है, शायद वो हमसे कुछ छिपा रहा है। लगता है उसे घर में काम है। लगता है वो ट्यूशन जाने लगा है। अरे हाँ, शायद उसका कोई और दोस्त बन गया है। मुझे नहीं लगता। क्या बोचन ने किसी और से दोस्ती कर ली? बेकार की बातें मत करो, शायद वो हमें कुछ बताना ही नहीं चाहता। हाँ, लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे उसका नया दोस्त है कौन? चलो ठीक है, हम सब मिलकर बोचन का पीछा करते हैं। लेकिन बोचन के भी तो अपने कुछ काम हो सकते हैं ना? ठीक है कजामा, तुम्हें नहीं जाना, मत जाओ, चलो चले। चलो। चिंता मत करो, उसे पता नहीं चला। शायद हम तीनों निंजा बन गई हैं। मुझे तो लग रहा है कि हम जासूस हैं। ऐसा लग रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अरे कजामा, वाह, एक बड़ी बिल्ली। वो उसी बिल्ली को देख रहा था। वो तो बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। बोचन गायब हो गया। अरे वो क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता। ये खतरनाक है। और ये तो तितली है। ओ हाँ, उसने तितली को बैठने की जगह दी है। बोचन कितना अच्छा है। आखिर ये कर क्या रहा है? हाँ। केस में एक मेंढक है। ये पानी तो आज सुबह इकट्ठा हुआ है, इसमें मेंढक कहाँ से आएगा? ओ हाँ, वो पानी में आसमान को देख रहा था। ओ हाँ, इसमें तो बादल दिख रहे हैं। तो वो एक पियोट बन गया है। नहीं, पोएट। अरे बोचन, तुम स्कूल से वापस आ गए हो? अरे बोचन, क्या कुछ खाओगे? ये लो। उसको तो सब जानते हैं। मैं भी खाऊंगा। नहीं, उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। टेस्टी है, और खा लो। आपका शुक्रिया। ठीक है, बाय बाय। अरे शिनचैन कहाँ है? ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो सच में टेस्टी है, मुझे चटपटा खाना पसंद है। अच्छा, तो अपनी मॉम को बताना कि हमारी ही दुकान से सामान ले। हाँ हाँ, मैं अपनी मॉम को जरूर बताऊंगा कि यहाँ से सामान ले, आप डिस्काउंट देंगे ना अंकल? ये आखिर जा कहाँ रहा है? उसका घर तो यहाँ नहीं है। मुझे तो लगता है वो ट्यूशन जा रहा है। तुमने देखा बोचन किस तरह से उछलते हुए जा रहा है? वो बहुत खुश लग रहा है। वो कोई ट्यूशन नहीं जा रहा है, वो जरूर किसी दोस्त के पास ही जा रहा है। वो तो वहाँ भी नहीं है, तुम्हें क्यों नहीं चल रहा है? देखो, वो पता नहीं कहाँ चला गया। वो वहाँ पर ही। अरे तुम आज भी आ गए? क्या बोचन इन्हीं से मिलने यहाँ पर आया था? लेकिन वो तो उसकी दोस्त नहीं लगती। बोचन की तो जितनी जान पहचान है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो अभी घर पर नहीं है, लेकिन जल्दी ही आ जाएंगे, तुम थोड़ा इंतजार कर लो। ओ हाँ, वो तो कोई आंटी है। मुझे लगता है कि इस वक्त उसका दोस्त बाहर गया हुआ है। वो आंटी तो देखने में मेरी मॉम से भी बड़ी लग रही है, तो इसका मतलब उनका बेटा भी बोचन से उम्र में बड़ा ही होगा शायद। अरे तुम आ गए, वैसे तुम मेरी मदद के लिए वक्त पर आ जाते हो। शायद ही उसके दोस्त के पापा है, इसका मतलब पूरी फैमिली ही बोचन को जानती है। ऐसा ही है। वैसे आजकल लोग ज्यादातर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तातामी किस तरह से बनता है ये ठीक से समझ नहीं आ पाता। अब बस तुम मुझे ध्यान से देखते रहना। ये तो एक तातामी है। अरे हाँ, ये तो एक तातामी की दुकान है। अरे शिनचैन, ये घास की खुशबू कितनी अच्छी है। शिनचैन, क्या ये घास का कारपेट है? तुम कौन हो? क्या ये घास पानी डालने पर बड़ी हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। ओ, तो आज तुम्हारा दोस्त भी साथ आया है। और भी दोस्त आए हैं आंटी।
आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो आंटी। तो वो चैन यहाँ पर आता है? हाँ बच्चों, ये अक्सर हमारी दुकान पर मदद करने आ जाता है। आंटी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका कोई बेटा है क्या? हमारी कोई बेटी नहीं है, ना ही बेटा। क्या नहीं है? इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं गलत सोच रही थी। नैनी की डिटेक्टिव एजेंसी आज से बंद होती है। यहाँ पर किस तरह का काम होता है? यहाँ ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन मुझे मदद करना पसंद है। जब मैं छोटा था तब मैं भी पड़ोस के कारीगरों को काम करते देखता था। कोई बात नहीं बच्चों, आओ तुम भी मेरा काम देख सकते हो। मैं वापस आ रही हूँ। वैसे भी वो चैन इतना भी अच्छा नहीं है कि उसके बहुत सारे दोस्त बन जाए। अब चलना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि तातामी इस तरह से बनता है। मैंने भी पहली बार देखा है। आजकल ये काम मशीन से होता है, पर हाथ से किया हुआ काम ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें कारीगरी बारीकी से हो पाती है। ये हाथ का काम तो बड़ी ही कमाल का है। तुमने सही कहा। अरे शिनचैन, तुम बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तातामी नहीं बनना। जरा इसे और अच्छी तरह से कसके बांधो। अब मेरी बारी। चलो हम सब साथ में मिलकर खेलते हैं। जिस किसी को भी ऑफिस ऑफिस खेलना है वो यहाँ आ जाओ। अरे तुम ये कौन सा गेम खेल रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं भी ये खेलना चाहूँगी। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा, यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी, करे वो ऐसी हरकते, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन प्यारा, शिनचैन प्यारा, शिनचैन।